जंग का मैदान बना स्टेडियम। क्रिकेट फैंस ने एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे। दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान पर भिड़े, फिर क्रिकेट टीमों के फैंस आपस में टकराए। 7 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रोमांचक मैच हुआ था। इस दौरान जहां खिलाड़ी मैदान पर भिड़े नजर आए, तो वहीं मैदान के बाहर दोनों क्रिकेट टीमों के फैंस का आपस में टकराव हो गया। इस दौरान पवेलियन में जमकर हंगामा हुआ और फैंस एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते हुए और कुर्सियां फेंकते नजर आए। बता दें, पाकिस्तान ने मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। वहीं मैच खत्म होते ही दुबई का पवेलियन अखाड़े में तब्दील हो गया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हारते ही फैंस बौखला गए और पवेलियन में रखी कुर्सियों को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान अफगानी क्रिकेट टीम के फैंस कुर्सियों को तोड़कर पाकिस्तानियों की तरफ फेंकने लगे। बता दें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक विकेट से हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। लेकिन मैच का आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा। 19वें ओवर में पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफ अली और अफगानी खिलाड़ी फरीद अहमद भिड़ गए। आसिफ ने फरीद को बल्ला दिखा दिया, जिसे देखकर दोनों के बीच बहस भी होने लगी। ये मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद आसिफ अली ने गेंदबाज फरीद अहमद को अपना बल्ला दिखाया, जिसके बाद अंपायर और मैदान पर मौजूद खिलाड़ी बीच बचाव के लिए आए। फिर सभी ने मिलकर दोनों खिलाड़ियों को शांत कराया और एक दूसरे से अलग किया, जिसके बाद आसिफ अली पवेलियन लौट गए। इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 11 रन चाहिए था, जिसके बाद असीम शाह ने लगातार 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को जीत दिला दी। पाकिस्तान की जीत के साथ ही भारत का एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का सपना भी टूट गया। अब भारत अपना अंतिम मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून लाइव। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।